प्रह्लाद, कल बहुत बड़ा दिन है, बहुत अहम दिन है, इसलिए अब तुम्हें ठीक से आराम करना चाहिए। और हाँ, याद रखो, श्रीराम का मन शांत रहता था और तुम श्रीराम की भूमिका निभा रहे हो, तो तुम्हें भी अपना मन शांत रखना चाहिए, ठीक है? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा? मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं यहां नहीं रहना चाहती। अब जा रही हूं तो हैरान होने का नाटक मत कीजिए। लेकिन प्रह्लाद, तुम उससे तुम दूर नहीं कर सकती हो, वो मेरा भी बेटा है। मैं उससे दूर नहीं कर रही हूं, उससे दूर होने का फैसला आपने किया है हमारे साथ ना चलकर। तुम जानती हो मैं शिरडी छोड़ के नहीं जा सकता हूं। तो हमें भी मत रोकिए। आपके पिताजी मेरे बाबा से बात कर चुके हैं, अब हम दोबारा यहां वापस कभी नहीं आएंगे। सबूरी केशव, सबूरी। कल का सूरज एक नई किरण लेके आएगा। तुम्हारे जीवन की मुश्किलें आसान होने का समय आ गया है। राजा, राजा उठो, राजा राजा उठो। क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह उठा रही हो? हैप्पी दशहरा। दशहरा आज? हाँ, मतलब आज तो? हाँ, आज तो वही दिन है जिसका हमें इंतजार था। राजा मुझे जाना है, आज मेरा नाटक है। राजा नाटक महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए नहीं उठाया मैंने तुम्हें। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है, एक सरप्राइज है। क्या? आओ दिखाते हो। चलो चलो चलो। ये देखो। ये क्या है? तुम्हारे नाना ने भेजी है हमें बंबई ले जाने के लिए। अच्छी है ना? मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझे रोते हुए देखे, कम से कम उसके नाटक के पहले तो नहीं। हो सकता है वो दुखी हो जाए। बाबा ने अभी कुछ नहीं कहा, शायद मम्मी ही सही है, यहाँ कोई नहीं है हमारा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। जब मैं हमेशा के लिए बंबई चला जाऊंगा
तो आपकी बहुत याद आएगी। लेकिन जो समय मैंने बाबा के साथ बिताया, बच्चों के साथ बिताया, वो तो अच्छा था। अब मैं क्या करूं? यहाँ से मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे जाने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और हाथी ने चींटे से कहा कि मंदिर के बाहर तुम्हारी चप्पल जो थी। कल से ये सब मेरे साथ नहीं होंगे, बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। प्रह्लाद, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं साईं। ये आप क्या बना रहे हैं? राम के लिए धनुष बना रहा हूं, इसी से आज रावण दहन होगा। तुम मेरी मदद करोगे इसे बनाने में? जरूर करूंगा साईं। ये लो। आप जानते हैं, यहाँ मेरा पहला दशहरा है जिसको मैं देखने वाला हूँ। मुंबई में तो नाना जी आज के दिन सिर्फ अंग्रेज अफसरों को ही दावत देते हैं, इसलिए मैंने कभी रामलीला नहीं देखी। यहाँ रहकर मैंने ये जाना है कि श्री राम जी की जीत का जश्न मनाने के लिए रावण का दहन करते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो क्या तुम ये सोचते हो कि हर साल उस लड़ाई की जीत का जश्न मनाने के लिए हम दशहरा मनाते हैं? हाँ, शायद। जानते हो, अपने समय में रावण सब राजाओं में सबसे विद्वान राजा था, लेकिन ऐसे एक विद्वान व्यक्ति का अंत वनवासी राम और उनकी वानर सेना के द्वारा हुआ। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि उसने अपनी भीतर की बुराइयों को अपनी अच्छाइयों पर हावी होने दिया, लेकिन उसने अपने ज्ञान, शक्ति, साधन और बुद्धि का उपयोग सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए किया। इसीलिए वो लोगों को दुख कष्ट पहुंचाने लगा, बुरे कर्म करने लगा। अति तो उसने एक स्त्री का अपहरण करके की, जिसका दंड उसे मिला। इंसान के अंदर रावण भी होता है और राम भी। हमारे बुरे गुण जैसे क्रोध, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे रावण तत्व हैं। और हमारे अच्छे गुण जैसे प्रेम, करुणा, बिना स्वार्थ के दूसरे की मदद करना, ये सारे राम तत्व हैं। रावण दहन हमें हर साल ये याद दिलाता है कि हमें अपनी बुराइयों को कभी भी अपनी अच्छाइयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हर वर्ष रावण को जलाने के साथ साथ हमें अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को भी जलाना चाहिए। इससे पहले कि वो हमारे अंत का, हमारे विनाश का कारण बने। सरकार, ये रही आपकी अमानत। हरिओम हरिओम। समधी जी बहुत ही उदार हृदय के हैं, 50 मांगू तो 100 दे देते हैं। उन्हें भी चिंता है अपने बच्चों की मेरी तरह।
उनसे कहिए कि ये सारे पैसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं निवेश करने वाला हूँ। इसमें कहने की क्या जरूरत है, सेठ जी तो सब जानते हैं। वैसे छोटी मालकिन तैयार हुई? नहीं, अभी तैयार नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि वो लोग शाम को ही निकल पाएंगे, क्योंकि आज प्रहलाद का नाटक जो है उसमें वो राम की भूमिका निभाने वाला है। ठीक, मैं इंतजार करता हूं। हरिओम। हरिओम हरिओम। बड़ा शुभ है आज का दिन, मेरे सारे काम बनते प्रतीत हो रहे हैं। प्रहलाद, तुम नहीं जानते थे ये? पर हम लोग तो ये बहुत पहले से जानते हैं कि साई के साथ है कि हमें रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ मेरे साई हैं, जिन्हें छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं अपने बेटे को जमीन से जुड़ा हुआ बनाऊंगा, उसे इंसानियत सिखाऊंगा। बच्चों, देखो मैं क्या लाई हूँ। मिठाई। लो। प्रहलाद, तू यहां क्यों खड़ा है? क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? प्रहलाद, क्या हुआ तुम्हें? परेशान क्यों हो तुम? आज तो तुम बंबई जा रहे हो। प्रहलाद, कुछ तो बात है। कोई बात नहीं, बस वो पहली बार नाटक में भाग ले रहा हूँ ना, इसलिए घबराहट हो रही है। तो फिर हम थोड़ा अभ्यास करा देते हैं तुम्हें। वैसे भी तुम्हें अभ्यास करने का ज्यादा समय नहीं मिला ना? अभ्यास नहीं करने की वजह से घबराहट नहीं हो रही है, मैं कर लूंगा। केशव, आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था। प्रहलाद का आज नाटक है, रामलीला में सब लोग उसे राम बना देखेंगे। इन दिनों प्रहलाद में काफी बदलाव देखे हैं मैंने, वो हमारे साथ घुल मिल रहा है। अगर देखो ना केशव, आज के दिन ही वो यहां से चला जाएगा अपनी आई के साथ। रोइए मत। तो क्या करूं केशव, मैं उसे अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती। मैंने महसूस किया है प्रहलाद यहां रहना चाहता है, तो तेजस्वी से बात क्यों नहीं करता केशव? अगर उसे भी यह एहसास हो जाए कि प्रहलाद यहां खुश है, तो अपने बेटे के खुशी के लिए वो यहां रहेगी, यहां से नहीं जाएगी। आपको क्या लगता है अम्मा, कि मैंने उससे बात नहीं की होगी? उससे कई बार बात कर चुका हूं, पर बात करने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेगी, वो अपना मन बना चुकी है। दिल छोटा मत कीजिए माँ, साईं के रहते ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए। राम कृष्ण हरि। अरे वाह,
मिठाई, इसे कहते हैं किस्मत। सुबह से घर पर मैं इसी इंतजार में था कि आई अब हलवा बना के देगी, अब हलवा बना के देगी, लेकिन वो तो करजी ही लाए जा रही थी। मैं तो हार के निकल गया। काकी हमें भी दो। गोविंदा बेटा बुरा मत मानना, मिठाई तो खत्म हो गई। गोविंदा दादा को मैं दूंगा अपने हिस्से से। और मैं उद्धव दादा को। नहीं नहीं मैं दूंगी। लीजिए ना। अरे नहीं नहीं लीजिए। अरे नहीं नहीं की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऐसे ही कहा था। हाँ हाँ तुम लोग खा लो। आज मम्मी ने कराची हलवा भेजा है, तुम लोग खाओगे मेरे साथ? खाएंगे ना। कैसा लगा? हमेशा की तरह अच्छा ही है। मतलब तुम लोग पहले भी खा चुके हो कराची हलवा? हाँ हाँ बहुत बार। बंबई से कई बग साई के लिए हमेशा कराची हलवा लाते और साई हमें दे देते मिल बांट कर खाने के लिए। अजब, ये सारा अंग्रेजी खाना है, तुम्हें मिल रहा है बाकी किसी को नहीं मिलता। बंबई की बेकरी में बनता है, सबके नसीब में नहीं होता, समझे? मम्मी तो कहती है कि जो मैं खाता हूँ वो सिर्फ अमीर लोग ही खाते हैं, पर यहाँ के बच्चों ने तो वो सब खाया है जो मैं खाता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग हर चीज मिल बांट कर खाते हैं। केशव, केशव ये तुम क्या कर रहे हो? मैं भी ना। कब से देख रहा हूं तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो, बात क्या है? नहीं दात्या, मैं बस थोड़ा सा थका हूं। बहुत खुश है कि उनकी बेटी नाटक में काम कर रही है। वो मुझे हमेशा बताती रहती है, उन्होंने भी नाटक में काम किया था जिसमें ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मेरा आई बाबा ने तो अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया रामलीला देखने के लिए। राजा तुम्हारे भी आई बाबा बहुत खुश होंगे ना। हाँ, मेरी मम्मी तो हमेशा मेरी तारीफ करती रहती है। बच्चों, सभी माता पिता अपनी संतान से बेहद प्यार करते हैं। हाँ, कुछ जता लेते हैं तो कुछ सीधे सीधे जता नहीं पाते। कुछ अपनी बच्चों की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं
तो कुछ शायद ही उनकी प्रशंसा में कुछ कहते हो। कोई भी अच्छा काम या किसी भी काम को अच्छे से करने का कारण औरों से प्रशंसा पाना नहीं होना चाहिए। काम अच्छे से करो क्योंकि तुम उसे अच्छा करना चाहते हो, जिससे तुम्हें खुशी हो, संतुष्टि हो, ताकि तुम और बेहतर इंसान बन सको। और जब ऐसा होगा तब माता पिता अपने आप ही गर्व से भर जाएंगे, लेकिन साथ ही तुम्हारी अपनी उन्नति भी होगी। आप सही कह रहे हैं साईं, मैंने बाजी को आज तक उस संदर्भ में कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उस दिन मुझे उसने गर्व से भर दिया। जैसा बाजी ने किया ना साईं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरा बच्चा ऐसा कर पाएगा। जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो। बाजीराव, मुझे लगता है कि राम की भूमिका तुम्हें निभानी चाहिए। मुझे नहीं। प्रहलाद, तुम ये क्या कह रहे हो? नाटक शुरू होने में सिर्फ कुछ ही समय बचा है और तुम कह रहे हो कि राम की भूमिका बाजीराव को करनी चाहिए। हाँ, कुछ गलत निकाह मैंने, और तुम लोग ही तो कहते हो मुझ में राम जैसा कुछ नहीं है। मेरे पास 40 पैसे नहीं है, 20 पैसे ही है। ये खिलौना मेरे पोती के लिए दे दो ना। घाटा लगा के 20 पैसे में कैसे दे दूं? इसके पैसे मैं दे दूं। ये तो बड़े ही सज्जन इंसान है, फिर तो शिरडी के लिए अच्छा है।